नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं किसी भी लैपटॉप या फिर मोबाइल का रिव्यू नहीं करूंगा, ना ही किसी की अनबॉक्सिंग करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप और मोबाइल के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम मोबाइल और लैपटॉप के अलग अलग कंपैरिजन करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग टोटल टैक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हमें मोबाइल परचेज करना चाहिए या फिर लैपटॉप परचेज करना चाहिए। वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो लैपटॉप और मोबाइल के बीच में कंपैरिजन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में आपको पता है कि मोबाइल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी के हाथ में आजकल एक न एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अब जो 2021-22 के अंदर, जी हाँ दोस्तों, अब से पहले नहीं, लेकिन अब जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो चुका है। सभी कार्य जो सभी भी वर्क है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर आपको कुछ रुपए कमाने हैं तो आपको ऑनलाइन कमा सकते हो। अगर आपको अपना कोई बिजनेस वर्क करना है तो आप अपने बिजनेस वर्क कर सकते हो। अगर स्टडी के बारे में बात करते हैं तो वो भी ऑनलाइन हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के जमाने में बहुत सारा ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब आने वाले समय में इससे भी ज्यादा और ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। मतलब और भी ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम हो जाएंगे। हम आज के जमाने में मोबाइल से किन किन प्लेटफॉर्म से रुपए कमा सकते हैं? हम यूट्यूब से रुपए कमा सकते हैं, फेसबुक से रुपए कमा सकते हैं, ट्विटर से रुपए कमा सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से रुपए कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम लाख रुपए कमा सकते हैं, और मोबाइल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि हम मोबाइल को लैपटॉप नहीं बना सकते। चलो हम लैपटॉप की कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम बहुत कुछ, जो मोबाइल के अंदर जो कुछ होता है वो हम लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम लैपटॉप के अंदर जो लैपटॉप के जो एप्स है वो भी चला सकते हैं, और जो मोबाइल के एप्लीकेशन है या फिर मोबाइल का जो भी वर्क हम लैपटॉप में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर जो वर्क करेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल है, कि जो लैपटॉप है उसके जो एप्लीकेशन है, जो भी उसका वर्क हम मोबाइल के अंदर 50% नहीं कर सकते। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मोबाइल का और लैपटॉप का। अगर आप पबजी खेल रहे हो या फिर आप कोई फ्री फायर खेल रहे हो, ऑनलाइन मतलब कोई भी गेम खेल रहे हो, तो आप मोबाइल के अंदर खेल रहे हो तो हम उसको आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन उसी गेम को हम लैपटॉप के अंदर प्ले करें तो उसके अंदर बहुत अच्छा ग्राफिक देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हम मोबाइल का गेम लैपटॉप के अंदर चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, GTA 5 जैसे हार्ड लेवल के जो गेम है वो लैपटॉप PC के है, मतलब लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के है, तो वो हम मोबाइल के अंदर नहीं प्ले कर सकते। हाँ, कुछ करेक्ट वर्जन होता है जो कि GTA 5 जैसे गेम के कॉपी करके मोबाइल वर्जन बना देते हैं, लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। आपको ये जानकर लैपटॉप और मोबाइल के अंदर तो कंपैरिजन का, मतलब उनके अंदर अलग अलग सिस्टम का पता लग गया है। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आने वाले समय में मोबाइल का जो भी क्रेज है, मोबाइल जितने भी वायरल हो रहे हैं, मतलब जो भी मोबाइल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनकी मार्केट घटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो लैपटॉप ने एक और न्यू फ्यूचर एड कर दिया है। आजकल 25% जो भी लैपटॉप बन रहे हैं वो टच स्क्रीन बन रहे हैं। हम लैपटॉप को टच स्क्रीन के साथ भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब जैसे मोबाइल को हैंडल करते हैं, और कीबोर्ड माउस से भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मोबाइल के साथ कीबोर्ड माउस अटैच नहीं कर सकते, ये कुछ मोबाइल की कमियां है। लेकिन लैपटॉप के अंदर दोस्तों हम सब कुछ करेंगे। ये आने वाले समय के अंदर जो भी लैपटॉप आएंगे वो टच स्क्रीन विद कीबोर्ड माउस अटैच होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लैपटॉप परचेज करना चाहिए या फिर मोबाइल फोन। आपके माइंड के अंदर एक और कंफ्यूज होगी, आपके माइंड के अंदर ये कंफ्यूज होगी कि हम मोबाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, छोटी सी मतलब अपने पॉकेट के अंदर डालकर लेके जा सकते हैं, लेकिन जो लैपटॉप है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते। लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को वो भारी वजन उठाना पड़ता है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बैग भी लेना पड़ेगा, मतलब उसको कंधे पर, मतलब यहाँ पर कंधे पर टांग कर लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ लैपटॉप पर होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।